Namaste everybody. So welcome back to the part 2 series of Udaipur. So mera naam Honya hai and I'm a solo travel blogger. Aur aaj main is bahut hi sundar si jagah pe aayi hu jiska naam hai Pishola Lake in Udaipur. And Udaipur, jaise ki maine aap sabko bataya hai ki it's known as the city of lake, right? In the previous episode mein I tried to explore the Pishola Lake boat ride but main wo nahi kar paye due to lack of time. And today I have finally to experience the boat ride and I'm super super excited. Yes, यहाँ पे ना दो तरीके के बोट मिलते हैं, एक होता है लग्जरी और एक होता है कॉमन वाला. तो लग्जरी में 10 लोग जाते हैं जैसे ऐसे, तो यू विल गेट दीज काइंड ऑफ बोट यहाँ पे विद कंफर्टेबल सोफा. बट एक जाता है कॉमन वाला विच विल टेक 165 रुपीज, बट आई हैव टेकन द लग्जरी वन विच कॉस्टेड मी आई थिंक अराउंड 350 और समथिंग. एंड नाउ आई हैव टू वेयर दिस वन life jacket. Let's begin the boat ride in Pishola Lake. Kal hum aaj ke liye the city palace mein, that I've shown in the previous episode, and that is the city palace. सिटी का व्यू पूरा इसी लेक में है, इसी पिछोला लेक में. सो दैट इज द ओबेरॉय. भैया ओबेरॉय होटल ना? हाँ ओबेरॉय. अच्छा यहाँ पे ये जवानी है दीवानी शूटिंग हुआ था. सो हियर पे ये जवानी है दीवानी जो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का है यहाँ पे शूट हुआ था. सो दिस इज Hi everybody. Hi. Ma'am and sir has come from Mumbai. Okay, so you are your brother? Brothers? What is brothers? Oh, how are you feeling? Awesome. Where are you staying? Where are you staying? We are staying at the Club Mahindra. Okay. Nice way to close your Udaipur. Yeah, yeah. Absolutely, absolutely. And it's actually really nice. Nice to meet you all. Likewise. Bye. The boat ride is done और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. This is something which is I highly recommend, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा जो उदयपुर का जो main centric places है वहाँ का सब view दिख जाएगा. And यहाँ से city palace भी एकदम पास में है. But now I am heading towards करणी माता मंदिर. Yes, so there I have to trek. I think वहाँ पर रोपवे का facility है, तो देखते हैं कि वहाँ पर रोपवे मिलता है कि नहीं मिलता है. And I'll see you there. रोपवे में आपको करणी माता टेम्पल तक डायरेक्टली लेके जाएंगे और दे आर गोइंग टू टेक 120 रुपीज टिकट पर पर्सन. और करणी माता टेम्पल ना एक्चुअली थोड़े हिल के ऊपर में है, तो इधर यू हैव टू क्लाइम. और हमारे पास कम टाइम है इसलिए हम रोप वे से जा रहे हैं, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन दिल्ली के लिए वापसी है. सो इसीलिए चलो. एंड आई थिंक दिस इज द सेकेंड टाइम मैं रोप वे से जा रही हूँ. फर्स्ट टाइम मैं गई थी वसूरी में. यस, दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम. सो जैसे जैसे आप रोपवे से करणी माता टेम्पल के ऊपर में आप ऐसे जाएंगे, सो यू विल फाइंड ना, मतलब वहाँ पे इतना सुंदर सा व्यू दिखता है पूरा वहाँ का, पिछोला लेक से लेके सिटी पैलेस. तो पूरा ओवरव्यू जो टॉप व्यू है ना वो देखने को मिलता है. एंड अभी मैं एक्चुअली करणी माता टेम्पल में ही हूँ, बट उनका ये ना एक व्यू पॉइंट पर आई हूँ और यहाँ से तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है. जस्ट हैव अ लुक. तो ये पूरा उदयपुर सिटी है और वहाँ
यहाँ पे जो लेक दिख रही है दैट इज द पिछोला लेक। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, सो प्रिटी। अभी मैं करणी माता टेंपल पहुंच गई हूं और उस वाले साइड पे है करणी माता टेंपल और इस वाले साइड है अगेन सच सरीन व्यू। यहाँ पे हर एक एक जगह पे आपको इतनी सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट मिलेगा ना, यू आई कान इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बट बिसाइड्स दैट आई वी जस्ट लाइक टू टेल लिटिल अबाउट दिस करणी माता टेंपल अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस एज वेल। सो करणी माता टेंपल जो है ना ये 15th to 20th century के बीच में बना है एंड यहाँ का एक यूनिक बिलीव है कि यहाँ पे 25,000 lakh rats को वो लोग पूछते हैं। So these rats have been considered as sacred. I'm not really sure ki wahan pe jo shooting hai inside of the temple is allowed or not, but I'll definitely try my best to show it to you. मंदिर के अंदर में शूटिंग करना अलाउड तो नहीं है पर मैंने पूरी कोशिश की आप सबको दिखाने के लिए। बिसाइज एक छोटी सी एक्सपीरियंस आप सब से मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हूँ एंड आई बिलोंग टू अ ट्राइबल बेल्ट। तो हमारे वहाँ का जो कल्चर है यहाँ के कल्चर से कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ सीखा एंड स्पेशली लाइक वर्शिपिंग द ब्लैक रैट like in the form of a god and goddess is something that I didn't know before coming here. Yahan se I am heading towards the Vintage Farm Museum. Finally guys, I have reached to the विंटेज कार एंड क्लासिकल म्यूजिक आई वुड से म्यूजियम आई वुड से। तो यहाँ पे ना जितने भी विंटेज कार है पुराने ज़माने के ड्यूरिंग द 90s उसको यहाँ पे रखा गया है एंड लुक एट, मैं अंदर तो नहीं जा सकती बट दिस इज वन कार एंड वन थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज इज दैट मतलब आज तक मैंने इतना एस्थेटिक पोस्ट कार्ड टाइप टिकट कभी नहीं देखा है। सो आई एम गोइंग टू कीप दिस विथ मी और यहाँ से एंटर करने के लिए आप सबको 400 rupees पर पर्सन देने होंगे। इट्स लिटिल बिट प्राइसी बट हाँ पुराने टाइम का है तो कुछ तो इतना तो लेगा ही ऑफ कोर्स फॉर श्योर। तो यहाँ से पूरा ऐसे राउंड है एंड यहाँ से पूरा ऐसे गाड़ी है एंड आई एम गोइंग टू शो इट टू यू वन बाई वन। म्यूजियम में ना ज़्यादातर मर्सिडीज़ है और दैट बिलोंग्स टू लाइक 1930-1942 समथिंग लाइक दैट और रॉल्स रॉयस हाँ अलग अलग डिज़ाइन के यू विल फाइंड इट और इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। बट आउट ऑफ एवरी जितने भी यहाँ पे कार है ना सबसे पुराना ये वाला है। दिस इज़ अ हॉर्स कार्ट जो स्पेशल ओकेजन में यहाँ पे यूज़ होता है जैसे कोई फेस्टिव हो गया तो किंग वगैरह यहाँ से लेके यूज़ करते हैं। जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लाइट भी लगा रखा है तो मुझे ऐसे लगता है कि पुराने ज़माने में रात के टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं तो वो लोग ऐसे जला के आग बत्ती जला के ऐसे ट्रैवल करते थे होंगे। तो ये वाला 1904 का है और ये वाला अराउंड 1930 का है। यहाँ पे जितने भी ऐसे कार है ना उनके अलग अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और जहाँ के गार्ड वाले भैया ने मुझे बताए थे। जैसे ये वाला जो गाड़ी है ना ये फोर्ड का है और आई थिंक इट इज़ 1930 का बना हुआ है एंड ये वाला जो गाड़ी इफ़ यू रिमेंबर दिस वॉज बीन यूज बाय सलमान खान इन प्रेम रतन धन पायो। और यहाँ से सबसे मेरी फेवरेट कार ये वाली है, आई थिंक इट्स नेम इज़ NGTC मॉडल और ये 1946 की है UK की। यस देखो कितनी क्यूट सी है और ये है आई थिंक दिस इज़ चैरियट अगेन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ चैरियट। आपको मैं सबसे पुराने टाइम का चैरियट दिखाती हूँ विच इज़ दिस।
जो कि बना है लकड़ी से, और यहाँ का ये देखो पूरा फेदर ऐसे निकल रहा है। ओ सॉरी ब्लॉक कार्ड्स। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आई थिंक दिस वाज पहले ज़माने का जो पेट्रोल पंप है वो इस तरीके से हुआ करता था, और वहाँ पे मीटर वगैरह भी रखा हुआ है। एंड एक्चुअली लुक्स रियली यूनिक अभी का और पहले ज़माने का, यू कैन जस्ट मेक अ कंपैरिजन। Finally, I am ending Rajasthan's Udaipur's trip. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि और कल ही तो जोधपुर के लिए निकले थे और आज उदयपुर का ये जो पूरा ट्रिप है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आई प्लान फॉर लाइक उदयपुर, जैसलमेर एंड देन जोधपुर। सो एज अ होल अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ पूरी राजस्थान ट्रिप का, नॉट जस्ट उदयपुर, क्योंकि उदयपुर का जर्नी तो आपने देख ही लिया। जैसे मैंने आप सबको बताया था कि आई बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश, सो हमारे वहाँ पे ऐसे महल जैसी जो कल्चर है, जो राजा सिस्टम थे, वो इतना प्रिविलन नहीं था, और हमारे यहाँ पे कोई महल ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे है। तो कमिंग हियर इज़ समथिंग आई सॉ अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, राजा सिस्टम, पता नहीं बहुत कुछ है, अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो पूरी शाम हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने मेरी मदद की, एंड थैंक यू ऑल फॉर showering so much of love and watching till the end. अगले जर्नी कहाँ से मैं जाऊँगी मुझे पता नहीं है। टिल देन, इफ यू लाइक दिस एक्सपीरियंस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलो यहाँ से अलविदा लेती हूँ। खम्मा गनी, नमस्ते।